Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of civil department from Satyam College of Polytechnic. So my lecture is survey 1 ka, jisme aaj hum next chapter discuss karenge compass survey. So compass survey basically hum use karte hain ki humne uska direction find out karna hai kisi station ka, aur koi bhi hamara point ho uska direction ko fix karne ke liye aur uska angles जो हम बीयरिंग निकालते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपास सर्वे. सो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन सर्वे ऑफ द एन एरिया इज डन बाय यूजिंग अ कंपास. किसी भी एरिया का हम सर्वे करते हैं विद द यूजिंग ऑफ द कंपास, देन इट्स रेफर्ड एज अ कंपास सर्वे. तो उसे क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे. इन दिस कंपास इज यूज फॉर फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेरियस लाइन्स ऑफ ट्रावर्स विच में भी ओपन टावर्स और क्लोज टावर्स. इसमें क्या आता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि फिक्सिंग करते हैं डायरेक्शन की किसी पॉइंट का, जो भी हमने ट्रावर्स बनाई होती है हमारी ट्रावर्स की ओपन होती है कि फर्स्ट स्टेशन से सेम उसी स्टेशन पर अगर वो क्लोज हो जाती है तो उसे बोलते हैं क्लोज. अगर फर्स्ट स्टेशन पर सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट पर वो क्लोज नहीं होती तो उसे बोलते हैं ओपन ट्रावर्स. तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम चूज करते हैं कंपास सर्वे. अब कंपास सर्वे के पर्पसेस क्या है, सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं. वो डायरेक्शन प्लानिंग करते हैं रोड, ब्रिजेस, रेलवे, वाटर सप्लाई के लिए, एज वेल एज अगर हमने लेक, पॉन्ड्स या फॉरेस्ट कोई भी बताना हो तो उसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कंपास सर्वे को यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपास सर्वे. एडवांटेजेस ये है कि इससे हम एक बीयरिंग निकाल लेते हैं, जो हमारी चेनिंग में एरर आते हैं वो कंपास सर्वे में एरर नहीं आते हैं. एक्यूरेटी कम होता है लेकिन ये इफेक्ट करता है मैग्नेटिक पे, जो इसकी अट्रैक्शन हो जाती है वहाँ पर इसकी रीडिंग गलत हो जाती है, बिकॉज इसमें जो नीडल लगा होता है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन करता है. इट इज़ अ क्विकली ऑब्जर्व मैग्नेटिक बीयरिंग की कहाँ पर भी मैग्नेटिक हो तो वह उसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है तो पता चल जाता है हमें. इट इज़ अ यूजफुल फॉर मेयरिंग बीयरिंग पॉइंट एंड एनी लाइन ऑफ, कोई भी लाइन ऑफ साइट हम जो चूज करते हैं वहाँ पर हम उसकी बीयरिंग निकाल सकते हैं, उसका एंगल निकाल सकते हैं हमारे पॉइंट पर. इट रिकॉर्ड्स मिनिमम एरर एज ऑल द बीयरिंग्स आर ऑब्जर्व इंडिपेंडेंटली. मिनिमम एरर आता है इसमें और एक्यूरेट कम होता है. नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में है कि रीडिंग लेस देन 15 मिनट्स कांट बी रिलेड अपॉन. 15 मिनट्स तक की रीडिंग हम नोट कर सकते हैं. इसमें क्या आता है, एक लोकल अट्रैक्शन की वजह से हमारी रॉन्ग बीयरिंग जो आ जाती है उससे हमारा काम को, जो हमारा सर्वे है वो रॉन्ग हो जाता है. अदरवाइज ये विदाउट हमारा जो अट्रैक्शन आए तो ये परफेक्ट हमारा सर्वे होता है. एक्यूरेट रिजल्ट कांट बी ऑब्जर्व्ड एट इज अ सूटेबल वन लैक एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. सो हमें क्या इससे एक्यूरेट काम करने के लिए मैग्नेटिक से वो अट्रैक्शन ना हो उससे बचाना होता है, देन इसका एंगल्स जो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं. कंपास सर्वे इज नॉट यूजफुल इन मैग्नेटिक एरिया. सो अट्रैक्शन के लिए वहाँ पर हम इसे सूटेबल, इसे यूज नहीं कर सकते हैं. अब बेसिकली कंपास क्या होती है, कंपास क्या होती है, कंपास एज अ बॉक्स ऑफ ग्रेजुएटर सर्कल. एक सर्कल का, एक सर्कल का एक बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो बताता है उसका कहीं मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो तो ये नीडल उस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो पता चल जाता है हमें कि ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है. देन लाइन ऑफ साइट की, जहाँ से हमने इसका जो भी हमारा स्टेशन आता है, जहाँ हमारा पॉइंट आता है वहाँ पर हमने रीडिंग नोट करनी है तो वहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट की हम, जिससे हमने अपना ऑब्जेक्ट देखना होता है. सो द मैग्नेटिक नेटर इज अ पिवट सेंट्रली ओवर अ पॉइंट व्हेन द लाइन ऑफ द साइट पॉइंटर टू गिवन द डायरेक्शन द नेटर पॉइंट टूवर्ड्स मैग्नेटिक मेरेडियन एंड द एंगल विच लाइन ऑफ साइट मेक्स द मैग्नेटिक मेरेडियन इज इन ऑन द ग्रेजुएटर सर्कल. सो इसमें एक पिवट लगी होती है, उस पिवट पर अटैच होता है हमारा मैग्नेटिक. तो हमारी कंपास जो है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, प्रिज्मेटिक देन सर्वे कंपास. ये है हमारी प्रिज्मेटिक कंपास. इसमें क्या आता है, सबसे पहले ये एक सर्कुलर रिंग आता है. इस सर्कुलर रिंग पर यहाँ पर रीडिंग्स नोट, यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है, यहाँ से हम रीडिंग नोट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर ये मैच करेगी वहाँ पर की हम रीडिंग नोट कर लेते हैं.
तो ये आती है इसकी रिंग, जहाँ पर ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को बताता है कि नॉर्थ किधर है, हमारा साउथ किधर है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो रीडिंग है वो नोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लास कवर क्लैंपिंग रिंग। देन आता है ग्रेजुएटेड रिंग, जहाँ पर रीडिंग्स नोट आती है। मेटल का बॉक्स होता है यहाँ पर, ये इसका आ गया लिफ्टिंग पिन। देन हिंज, यहाँ पर आता है साइट। ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से देखते हैं ऑब्जेक्ट वेन है कि इसका, इसमें वायर लगी होती है। रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, जिसको हम एडजस्ट करते हैं कि हमने हमने अगर हमें साइट अच्छे से विजिबल ना हो तो इससे हम एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमारा आई होल आता है, हिंज आती है, फोकसिंग आती है अगर हमारा, हमें फोकस ना हो। देन ये आते हैं ग्लासेस फॉर सन के, सन से, सनशेड से बचाने के लिए हम इसे ये ग्लासेस यूज करते हैं। यहाँ से हम आई से, ये आई होल है, यहाँ से हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस लाइन पर जो मैच करेगी, हमारी टेंजिंग रोड, जहाँ हमारा कोई भी पॉइंट, वहाँ की जो रीडिंग यहाँ पर आएगी हम यहाँ से नोट कर लेंगे विद नॉर्थ की डायरेक्शन को मार्क करने के बाद, ठीक है। ये आती है कंपस में। सो प्रिज्मेटिक इज अ कन्वीनियंट हैंडली पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेयरिंग बीयरिंग एंगल एज वेल एज, ये 1814 में यूज हुआ था, जिससे ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एंगल्स और बीयरिंग को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आते हैं इसके पॉइंट्स। सबसे पहले आता है सिलेंडर मेटल बॉक्स। ये एक मेटल का बॉक्स होता है जिसका जो है उसका डाया होता है 85 से 110 mm होता है, वो जो इसका सर्कुलर रिंग बना होता है उसे बोलते हैं सिलेंडर मेटल बॉक्स। देन पिवट, पिवट इज अ फिक्स सेंटर इन द कंपस बॉक्स एंड इट्स टिप इज मेड फॉर हार्डन स्टील। इसकी टिप जो होती है वो स्टील की बनी होती है, कंपस के साथ इसमें जो इसकी नीडल होती है वो मैग्नेटिक नीडल इसमें अटैच की जाती है। देन आता है मैग्नेटिक नीडल जो इज अ स्पोर्टर, क्या की जाती है सेंट्रली स्पोर्टर सिचुएटेड पिवट पर, वो स्पोर्ट की जाती है हमारी मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जो क्या करती है, बताती है हमें नॉर्थ की डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन एंड इसका ईस्ट एंड वेस्ट की डायरेक्शंस को बताती है। जैसे कि 0 डिग्री पर अगर उसने साउथ साउथ डायरेक्शन मार्क की तो 90 पर वेस्ट, 80 पर नॉर्थ एंड 270 पर ईस्ट की डायरेक्शन को वो जो नीडल है वो शो करेगी। देन साइटिंग वेन, वो एक क्रॉस हेयर लगा होता है, उस हेयर से हमने मैच करना होता है हमारा पॉइंट, जहाँ हमारा जो रेंजिंग रोड हमने लगाई होती है किसी भी ट्रवर्स के किसी भी स्टेशन पर, उसे हम साइट करते हैं, तो उसके लिए एक हेयर लगा होता है, उस हेयर से हम जब देखते हैं आई होल से तो उसे हम बोलते हैं साइटिंग वेन। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लास कवर। ग्लास कवर जो हम डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लास कवर। देन आता है लिफ्टिंग पिन, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द नीडल ऑफ द पिवट एंड होल्ड्स द अगेंस्ट द ग्लास कवर देयर वाज द प्रोवाइडिंग द वेयर एंड टियर पिवट पॉइंट, कि पिवट का एक लिफ्टिंग पिन लगा होता है जो कि हम पिवट को एडजस्टमेंट करने के लिए और मैग्नेटिक नीडल को सेंटर पर वो मूव करती है, वह हमारी जो मैग्नेटिक नीडल होती है तो उसे स्टेबल करने के लिए हम यूज करते हैं। देन आता है ब्रेकिंग पिन, इट इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द ऑक्सीलेशन ऑफ ग्रेजुएशन सर्कल बिफोर द आउटर द बीयरिंग इन रेस्ट बिफोर टेकिंग रीडिंग, कि वो ब्रेकिंग पिन जो रेस्ट पर हमारा जब मैग्नेटिक होगा वो रीडिंग जो यहाँ पर हमने नोट करनी होगी वो अगर रेस्ट कंडीशन पर होगी तो उसे रेस्ट कंडीशन पर करने के लिए, अगर वो मूव कर रही होगी तो उसे रेस्ट कंडीशन पर करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक पिन। नेक्स्ट आते हैं कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास को हम सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सन रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कलर ग्लासेस। सो ये था हमारी इंट्रोडक्शन है हमारी प्रिज्मेटिक कंपस की। सो थैंक यू।